हमारी आज की जो रेसिपी है वो है चिकन मलाई रोटी। चिकन मलाई रोटी हम बना रहे हैं जो बहुत ही मजेदार और जबरदस्त बनती है। तकरीबन 1 किलो हमने चिकन बोनलेस चिकन ले लिया है, इसको नींबू लगा के तकरीबन 1 घंटा हो गया रख दिया था। तो अभी 1 कप जो है ना दही डालेंगे। दही और साथ में जो है मसाले, जो इसमें मसाले मेरा दूसरी चीजें डालते हैं, अदरक हमने गोभी है, जिंजर का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1-1 चम्मच, सब्ज मिर्च मेरे 3-4 अदद, और स्पाइसेस के अंदर हम ले रहे हैं नमक कसबे का, ये कुटी हुई मिर्च है, और सरक मिर्च तकरीबन 1/2 चम्मच। और मसालों के अंदर है सब खुश्क धनिया, ब्लैक पेपर और जीरा, ये तकरीबन 1/2 चम्मच। अभी इनको कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्स। इसमें तकरीबन 2 चम्मच जो है ना वो सिरका डाल देते हैं, सफेद सिरका, और साथ में ये क्रीम या मलाई। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कैसी जबरदस्त हमारी मलाई रोटी रेसिपी तैयार। अभी इसके अंदर हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है ना वो कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए ना मैरिनेट होने के लिए ना छोड़ देते हैं ताकि मसाला मेरा अच्छी तरह जो है ना चिकन के अंदर बस जाए। तो फ्रीजर में रख देते हैं इसको। हमारा बिल्कुल रेडी हो गया चिकन टिक्का मलाई रोटी रेडी। अभी इसको 1 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलाई बूटी की तैयारी शुरू कर देते हैं। हमने ये स्टिक ले ली है, ये स्टिक और ये स्टिक, और इसके अंदर हम प्रो लेते हैं। इसके अंदर इसपे रखते जाते हैं ट्रे के अंदर। और हम बनाएंगे फ्राई पैन के अंदर बोनलेस होता है, ये बहुत जल्दी और बहुत इजी बन जाता है। अगर आप बाहर नहीं जाते हैं, बाहर होटल वगैरह का नहीं खाना पसंद करते हैं, तो घर में आप चिकन लेके आए, बोनलेस बनवाए और अपने बच्चों को बना के खाएं कभी कभी, प्रोटीन में नहीं, हफ्ते में 2 हफ्ते बाद, या जब भी कभी मौका मिले, या जब सैलरी मिल जाए, फिर महीने के बाद सैलरी मिलती है, उसमें आप बना के बड़ी बूटी बना लिए। ये भी ठीक है, लेकिन क्यों क्या छोटे क्यों जो है ना इसमें स्लिंग भी हो जाए, जब ये पकेगी छोटी छोटी हो जाएगी, सुखड़ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1 चम्मच जो है ना देसी घी का अपने मलाई रोटी के लिए, ताकि रमान वही। अभी हम ऐसा ऐसा जो है ना एक एक करके अपनी एक से 2-3 मिनट के लिए
आज हमने त्रिवेणी रखनी है, आज जो है ना त्रिवेणी रखनी है, त्रिवेणी गोल्डन गोल्डन जबरदस्त लुक आ जाएगी। अभी इसको छोड़ देते हैं, 4 से 5 मिनट हमने कवर कर दिए, 4 से 5 मिनट इसको इस तरह रहने देते हैं, तो उसके बाद इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे। अभी हमें इसकी जो है साइड चेंज कर लेते हैं, गोल्डन गोल्डन लुक आ रहा है। घर में बनाए खाए और मजे करें। हमारी कढ़ाई जो रेडी होती है खाने के लिए, अभी पकाया गया रमाना। ये हमने कोयला रख दिया है और इसके ऊपर हम देसी घी डाल देते हैं और इसको कवर देते हैं, कवर ये कवर कर देते हैं पान। ये देखो क्या टेस्ट आएगा इसके अंदर, जो इसका अरोमा, जो अभी धुआं वगैरह, अभी ये देख रहे हैं धुआं निकलना शुरू हो गया इसके अंदर, जो है बड़े जबरदस्त मजेदार धुआं धुआं। बिल्कुल आज जो है ना हल्की बिल्कुल बहुरी से आज भी आपने इसको दम दे देना बस। अभी हमने इसको दम दे दिया और थोड़ी देर के बाद हमारे चिकन टिक्का मलाई बोटी रेडी, हमारी डिश बिल्कुल रेडी होगी टिक्का मलाई बोटी। अभी हम कर लेते हैं डिश आउट, साथ में चटनी बना लेते हैं, दही और मजेदार हमारा टिक्का मलाई बोटी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी, हमारी आज की डिश चिकन मलाई बोटी टिक्का बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी हम इसको सर्व करेंगे, चटनी बना ली है साथ में, दही की चटनी है साथ में, सलाद है, खीरा है, बंद गोभी है, छोटी मूली है और टमाटर और लीमू। तो आप भी अपने घर में आप अपने घर वालों को बना के खिलाएं, अपने माँ बाप को खिलाएं, तो उनके ढेरों दुआएं दें। उम्मीद है कि हमारी जो आज हमने ये छोटी सी काविश की आप लोगों को पसंद आएगी, आप भी घर में ट्राई करें। जो भी दोस्त हैं, मैं अपने सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।